ये है मुंबई। अब जैसे ये वाला पैच है ना, ये टूटा हुआ, अब थोड़े टाइम बाद आएगा वो बना हुआ। इस बार या तो मैंने कोई गलत टर्न ले लिया या फिर अलग ही रास्ता दिखा रहा है गूगल। ये तो यहाँ से बंद दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 19.2 किलोमीटर का। तो ये जो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम पिछले ब्लॉग के एंड से। अभी हम है सवाई माधोपुर एंड ये वाला ब्लॉग सवाई माधोपुर से घर जाने का। एक्चुअली आए थे जयपुर से, तो जयपुर वाला रास्ता एक्सप्लोर कर लिया, वो देख लिया। जाने का रास्ता दो थे, एक ऑप्शन था या तो फैक्ट्री चले जाऊं, दूसरा घर का। घर वाला रास्ता क्योंकि मुंबई एक्सप्रेस वे से होगा तो वहाँ पर टाइम भी कम है और वो भी कम है। जयपुर जाके या नीमराना जाने का जो रास्ता था वो तो बड़ा वो है, टायरसम। सफारी का एक्सपीरियंस कैसा था कैसा नहीं वो आप लास्ट वाला ब्लॉग देख सकते हो। अगर देख लिया तो अच्छा लगा होगा, नहीं और कुछ उसमें कमी होती, कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ मेरे को बता दिया करो अगर ये चेंजेस करने हैं, इस तरीके से बताना है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बाकी जी पिछली बार से तो इस बार का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था, बट मेरे को इन पर्टिकुलरली क्योंकि हमने इस बार जोन थ्री जो था वो सिर्फ हमने टाइगर पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा ध्यान दिया। वहाँ पे और भी सारी लैंडस्केप ब्यूटीज़ या ये वाली चीज़ें भी थी, बट हमने थोड़ा सा प्रायोरिटी और उसको कर लिया था फोकस टाइगर की तरफ। एक्चुअली जहाँ पे टाइगर हम देख रहे थे इतने टाइम से, वो शायद फीमेल 5 साल की उम्र की, उनके 3 कब्स थे, वो थे जस्ट सामने जो हमारी लोकेशन थी, दैट कम्स ऑन जोन 4। तो हम जब से ये वेट कर रहे थे क्योंकि वो तो शाय नहीं है लेकिन कब्स बहुत शाय हैं कि वो अब आए, एंड उस चक्कर में काफ़ी टाइम निकल गया। एक दो बार उनका वो भी हुआ, जैसे कहते हैं ना पीछे जो बाउंड्री उन्होंने कर रखी है दोनों जोन का डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो बाउंड्री के पीछे जस्ट पीकाबू टाइप्स भी हुआ, बट वो जो सिर्फ आगे वाली गाड़ियाँ थी जिप्सी जिनकी आगे की थी उनको थोड़ा बहुत दिखा, वो भी बहुत ज़्यादा जूम करके आपने जब ऐसे उसमें देखोगे तो। ये कि एक होता ना लालच वाली बात है, बोलो टाइगर देख लिया अच्छा लगा, कब्स देख लेते तो और भी अच्छा लगता, वो क्यूट से होता ना। अब इमेजिन करो जैसे टाइगर तो आपने वो लास्ट वाली वीडियो में देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हुए, अपना नाश्ता खाना पीना मस्त खाया पिया सो गया, खाए पिए सो गए टाइप्स, उस तरीके से टाइग्रेस। एंड देन कब्स भी अगर आस पास घूम रहे होते तो कितनी क्यूट वाली फीलिंग आती है। वो बिल्कुल ऐसे वाला लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं खिड़की खुली और वो जस्ट वहाँ पे। यहाँ से अब चलते हैं आगे की तरफ, खाया पिया कुछ है नहीं, साथ में ये है, ये मिले थे मस्त काजू बादाम वगैरह, ये ओपन करता हूँ थोड़ी देर में, यही सफर में काम आएंगे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. या तो मैंने कोई गलत टर्न ले लिया या फिर अलग ही रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप्स। ये है बोनली रोड के नाम से, मतलब एक तरीके से कोई गांव की रोड या वैसी है, प्रॉपर सीमेंटेड है वैसी कुछ वो नहीं है, बट ये यहाँ से 14 किलोमीटर तक का हमारा डिस्टेंस है, उसके बाद जाके मिलेगा वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। लास्ट टाइम तो ये था कि जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं सवाई माधोपुर वाला जो आता है वहाँ से राइट लेके आप जा सकते हो, बट इस बार उसने दिखाया नहीं और मैं भी जाना मुझ के गया नहीं, मैं कहा नहीं दिखा रहा तो बेटर है कि, क्योंकि कल भी आते समय मैंने एक जगह देखा था लेफ्ट साइड में एक जस्ट वो आया था जहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का था, वो बंद कर रखा था पूरी मिट्टी विट्टी डाल के दोनों तरफ से, वो बंद कि आप उधर चढ़ ही नहीं सकते, या तो बना नहीं होगा या वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं करी होगी या वो वाला टोल चालू नहीं किया होगा। जब लास्ट टाइम भी आया था बहुत टाइम हो गया उस बात को, तो उस दौरान भी यही था कि जो लेफ़्ट साइड वाली लेन थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो हमें राइट साइड से रॉन्ग साइड होते हुए आना पड़ता था एंड देन उसके बाद आगे वो मिलती थी, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वाला हिसाब था। ये वाली कैपेबिलिटी नहीं है ऑफ रोडिंग की इसमें,
तो इसमें ये वाला काम तो करने का सोचना भी नहीं है। सुबह का निकला हुआ, खाया पिया कुछ है नहीं, भूख भी नहीं लग रही, मतलब एक वैसा सा है, नींद भी पूरी, मतलब नींद भी क्या, 1 घंटा सोया था, आ भी नहीं रही और भूख भी नहीं लग रही। एक वो है कि हाईवे पे जाके चाय वाला हिसाब, कुछ अच्छी मस्त चाय एंड देन ये स्नैक्स वाला सिस्टम करूंगा, जब से मैं उस पे हूँ कि एक बार ना मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊँ, मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊँ, वही आने को वो नहीं हो रहा। लगभग 2 या 3 किलोमीटर और ये दिखा रहा है, बट कितना सुंदर लग रहा है ना ये लैंडस्केप ब्यूटी, तो दिखाई दे रही है पूरा आगे पहाड़ ही पहाड़ एक तरीके से पूरा स्ट्रेच में है, एंड दोनों तरफ इतने टाइम से खेत चल रहे हैं, पैचेस में रोड बनाई हुई है, मतलब हल्का सा पैच बना हुआ है फिर टूटा हुआ, फिर बना हुआ फिर टूटा हुआ, पता नहीं ये रास्ता आया कैसे। उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखा भी नहीं रहा था मैप्स में, वो गूगल मैप कई बार नए नए रास्ते ऐसे दिखा देता है, अलग एक्सपीरियंस दे देता है। एंड आई बिलीव यहाँ से ये वाला जो रास्ता होगा ये है मुंबई, अब जैसे ये वाला पैच है ना ये टूटा हुआ, अब थोड़े टाइम बाद आएगा वो बना हुआ, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। अब ऊपर चढ़ने का रास्ता वहाँ पे कहाँ है, we'll have to see that. You look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. यहाँ से बंद दिखा रहा है कसम से, इतनी दूर आके भी अगर ये एंट्री पॉइंट्स उन्होंने बंद कर रखे हैं तो अब जाएं कहाँ से, वो वाली बात हो गई। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ये वाला मैंने देख लिया, सामने वाला भी बंद दिखा रहा है, अगर लेफ्ट लेके ऊपर चढ़ने का हुआ तो बहुत बढ़िया, वरना तो भैया मर गए, ये भैया भी मेरे जैसे ही आ रहे हैं। अब यहाँ से कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक भैया थे उनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा अभी वो वाली क्योंकि दूसरी लेन बनी नहीं है तो आपको यहाँ से रॉन्ग साइड ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे से लेफ्ट कट मिल जाएगा, देन आप इस पे जो आपका राइट वे है, अभी वाला राइट नहीं है लेफ्ट वाला जो जाने के लिए राइट है, उस पे जाके चढ़ सकते हो। वही वाली बात है, हो सकता है वहाँ से भी यही वाला हिसाब हो कि मैप्स में वो, क्योंकि ये रॉन्ग है तो ये मैप्स इसको नहीं दिखाएंगे, हो सकता है इस वजह से नहीं दिखा रहा हो, बट इतना ही मेरे को ध्यान था कि आते समय तो बहुत सही था, वापसी के समय भी मैं उसी रास्ते से गया था, इस पर क्या गलती हुई क्या गलत कट लिया वो समझ नहीं आया। अब यहाँ पे भी ये कि कितना लंबा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, मेरे पीछे 1-2 गाड़ियाँ और आ रही हैं। के बाद लिटरली इस बार तो ये वाला रास्ता ढूंढने में सालों की तपस्या लग गई, पता नहीं कहां कहां से आना पड़ा, इजी वाला रास्ता था वो वाला, या तो मेमोराइज कर लो क्योंकि इतने टाइम के बाद भी इन्होंने बनाया नहीं, बट एक चीज है इससे जो सीखने को या समझने को मिली है वो ये कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी जो नेबरिंग प्लेसेस है वहाँ पे विलेजेस हैं या जो भी हैं वहाँ पे भी रोड्स वगैरह इंटरनल अच्छी बना रखी हैं, छोटे मोटे कहीं छोटे पैचेस छोड़ दिए कहीं कुछ छोड़ दिया, बट फिर भी ओवरऑल काफ़ी हद तक सही है। ये वाला तो है ही सही, इसमें तो कितनी बार हमने ट्रैवल कर लिया, 120 की स्पीड लिमिट है, 120 पे ही क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दूंगा, 120 115 के आसपास। जैसे ये रॉन्ग आ रहा है ना, इसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, जैसे हम आए थे रॉन्ग। यहाँ से घर का जो डिस्टेंस है ना वो है 250
50 किलोमीटर्स, अप टू 50 किलोमीटर्स जो भी ट्रैवल करना है जो एक्सप्रेस वे पे होगा, उसके लिए मैंने इसे 116 पे क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दिया। अब जब स्टार्ट किया था हमने ट्रिप, तो गुड़गांव में मैंने डीजल फुल कराया था, डीजल फुल कराया, उसके बाद मैंने कहीं कुछ नहीं किया। एंड तब से लेके अब तक ये इतनी चल चुकी है, ये बॉटम राइट साइड में जो दिखा रही है ना 578 किलोमीटर, एंड रेंज इसकी दिखा रही है अभी 430 किलोमीटर, 430 किलोमीटर्स। ओवरऑल जो माइलेज गाड़ी दिखा रही है वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये आई 16.1 वैसे, और जो वैसे वाली दिखाता है ये वो 16.3। तो इन दोनों को वैसे अब चेक कर लिया, इस वाली पोजीशन पे क्रूज कंट्रोल ये रहा दूसरा, ये तो ना बार बार चेंज होती रहती है, तो ओवरऑल जो दिखा रहा है वो यही है गाड़ी की 16.1 की जो ये अभी दिखा रही है। अब इसको घर पे जाके, क्योंकि अभी मैं इसे क्रूज कंट्रोल पे दोबारा सेट कर देता हूँ, घर पहुँचने के बाद फिर चेक करते हैं कि अगर मैंने इसे क्रूज कंट्रोल पे 120 पे करके छोड़ा है तो अब उसके बाद इसकी माइलेज गिरती है, कम होती है, क्या होती है, एक आइडिया लग जाएगा। कि क्रूज कंट्रोल अगर आप 100 से ऊपर चला रहे हो, गाड़ी को सेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्पीड पे और इतने लंबे स्ट्रेच पे कर रहे हो, तो उसका ऐसी गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों की मतलब वैसे बात करें तो इन पर्टिकुलरली ऑडी A4 की, उसमें माइलेज में कितना वो डिफरेंस आता। आज तक मैंने खुद ने भी ये चीज़ कभी चेक करी ही नहीं है, पहली बार करके एक आइडिया लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं। रास्ते में ना एक क्या कहते हैं टी ब्रेक के चक्कर में रुके थे, इस बार ने ये भी हो गया कि मुँह भी धो लिया, पूरी आँखें ऐसे थक गई थी, बिल्कुल थकान थकान हो जा रही है, मैं कहा ये भी हो जाएगा और ये जो डब्बा था मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का वो भी खोल लूँगा। अब क्या है यहाँ रख लिया बगल में, मस्त फटे जाओ चलते जाओ, मोटे मोटे 2-1 घंटे और लगेंगे यहाँ से घर के, घर जाके फिर चेक करते हैं उसका क्या रिपोर्ट आया क्या नहीं। You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. के 19 मिनट, एक्सप्रेस वे ख़त्म, अब आ गए यहाँ सोना साइड, सोना रोड पर। यहाँ से घर का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर के आसपास। तो अब क्रूज कंट्रोल वाला सारा चैप्टर ख़त्म, अब चेक करते हैं कि क्या रीडिंग्स आई, क्या इसकी वैल्यूज आई उसमें। अब इसमें यहाँ पे दिखाता हूँ, अब ये जो है सबसे पहले वाला, एक सेकेंड, यहाँ पे ये दिखा रहा है 240 किलोमीटर्स, 240 किलोमीटर्स इसकी रेंज है, नीचे बॉटम राइट साइड पे 805 इतनी चल चुकी, तो 800 प्लस 240 इतना ये दिखा रहा है कि फुल टैंक पे इतनी चल जाएगी अगर इसी तरीके से चलाओगे तो। अब ये इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, तो यानी ये जो रीडिंग लेके चल रहा है ये है 8216 किलोमीटर्स की, जो इसने कब से कैलकुलेट करते आ रहा है, रीसेट नहीं करी। तो इस रीडिंग के अनुसार हमारी एवरेज स्पीड इसमें रही 47 किलोमीटर पर आवर, इस पूरे किलोमीटर्स को करते समय जब से भी करते आ रहे हैं। तो इस किलोमीटर में या इन किलोमीटर्स में ओवरऑल एवरेज जो दिखा रहा है वो 16.1, और या फिर दूसरा बताऊं तो ये तो वो वाली है जो हर बार चेंज होती रहती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। दूसरा है 304 किलोमीटर का जो आज का ही है, अप्रॉक्सीमेटली 304 में से 250 के आसपास तो यही था मुंबई एक्सप्रेसवे वाला, 200-220 के आसपास होगा शायद। तो 304 में ये दिखा रहा है 19.2 किलोमीटर का। तो ये जो डिस्टेंस भी आप देखेंगे ना कि कितनी गाड़ी चल सकती है जो बड़ा है, वो इसी वजह से बड़ा है कि यहाँ पे गाड़ी का माइलेज 113 से 116 के बीच में जो मैंने क्रूज कंट्रोल पे लगा रखी थी उसमें ये शो कर रही है 19.2। कितनी देर से चला रहे हैं, 3 घंटे 46 मिनट। अब देखिए 190 BHP का इंजन, और जिसको हमने 113 पर, 116, 113 पर क्रूज कंट्रोल पर
कंटिन्यूसली रगाए रखा, उसके बावजूद भी इतना बढ़िया एवरेज। अब वो वाली बात अलग है कि अगर इतने ही स्ट्रेच तक आप कंटिन्यूसली पूरा चलाएं फुल टैंक का, तो कंफर्म पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इतना ही होता है या इसमें भी 19-20 वाला कुछ वो है। बट फिर भी जो दिखा रहा है इसका ओडोमीटर या जो टेलीमैटिक्स इसके दिखा रहे हैं गाड़ी के, उसके हिसाब से कुछ तो है, बहुत ही बढ़िया है। अब एक बार ना घर पे जाके दोबारा से रीडिंग चेक कर लूँगा, क्योंकि अब क्या है थोड़ा बहुत इसमें 15-20 किलोमीटर का सिटी ट्रैफिक इंक्लूड हो जाएगा, अब सिटी ट्रैफिक में कितना कम होता है कितना नहीं, लेट्स सी। 3:40 हो गए एंड घर भी ऑलमोस्ट आ ही गया, ये देखो 19.2 ही है अभी, 20 किलोमीटर में क्या ही डिफरेंस आएगा, कुछ भी नहीं होगा। 19.2 का एवरेज दे रही है गाड़ी, खुश रहो, और क्या चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग रन पे कितना होगा, 17 तक आ जाएगा, मतलब फिर भी 15-16 से ऊपर तो हर हालत में दे रही है। 8000 किलोमीटर का अगर वो लेके चलेंगे तो उसमें भी 16 दे रही है, वो तो बहुत भी सही है। सो जी, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आई होप अच्छी लगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Peace.